अमेठी में रहने वाले वो सेना के जवान इंसाफ की उम्मीद में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक मामूलियत से काम के लिए लेखपाल उन्हें पिछले कई महीनों से टहला रहा है, जिससे सेना का ये जवान हद से ज्यादा परेशान है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। हमारे देश में जब कोई सेना का जवान शहीद होता है तो उनकी शान में बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, उनकी अर्थी में हजारों लोग शामिल होते हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अधिकारी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन यह अजीब विडंबना है कि जीते जी इन्हीं जवानों को अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। ताज़ा मामला अमेठी ज़िले से आया है, जहां एक लेखपाल सेना के जवान को पिछले कई महीनों से भटका रहा है। हमारा जो है एक जमीन बंटवारे का सर आदेश था, जो न्यायालय के माध्यम से जो है मार्च 2023 में आदेश पारित कर दिया गया न्यायालय अमेठी के द्वारा, और दखल दिहानी का भी आदेश जो है 13 मार्च 2023 में कर दिया गया, लेकिन आज तक हमारा बंटवारा जो है नहीं हो पाया। मैं सर सेना का जवान हूँ, मैं इसके पहले भी दो बार छुट्टी आ चुका हूँ, हमको बताया गया जो है कि इस तारीख में बंटवारा होना है। मैं आया बंटवारे में, लेकिन हमारा बंटवारा जो है अभी तक नहीं हो पाया। दरअसल ये मामला अमेठी तहसील का है, जहाँ सेना के जवान सत्येंद्र कुमार मिश्रा पिछले कई महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। सत्येंद्र इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर तैनात है। सत्येंद्र की माने तो इसी साल मार्च के महीने में कोर्ट ने उनकी जमीन के बंटवारे का आदेश दिया था। इस आदेश की तामील लेखपाल प्रवीण सिंह को करवानी थी, लेकिन अब तक लेखपाल प्रवीण सिंह ने उनकी जमीन की पैमाइश नहीं करी और न ही उनका बंटवारा किया, जिससे वो परेशान है। इसके बाद में फिर जो है एक महीने की छुट्टी लेके आया, फिर जो है इसके पहले जो है बुधवार को गए थे जो है प्रवीण सिंह लेखपाल, उस दिन जो है बंटवारा नहीं हो पाया। फिर बोले संडे को आएंगे, संडे को करेंगे, संडे को नहीं हुआ। उसके बाद जो है आज की तारीख दिया गया था जो कि आज के दिन जो है बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन आज के दिन भी बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं यही चाहता हूं आप लोगों से कि हमारा जो बंटवारा है जल्द से जल्द हो और हमको न्याय जो है दिलाया जाए। सत्येंद्र की माने तो उन्हें कम छुट्टियाँ मिल पाती हैं और आजकल करते हुए लेखपाल ने कई महीने गुजार दिए, लेकिन अब तक उनका बंटवारा नहीं हो सका, जिससे वो खासा परेशान है। लापरवाही इसमें सर लेखपाल की लापरवाही की वजह से हमारा अभी तक जो है बंटवारा नहीं हो पाया। दिनों से आप तहसील का और लेखपाल के चक्कर काट रहे हैं। सर मार्च में मैं छुट्टी आया था, फरवरी में ही आ गया था मैं, उसमें आया तब से आदेश हुआ है, आज तक नहीं हुआ। आज मैं दोबारा भी छुट्टी आया, हमारा छुट्टी खत्म होने वाला है एक महीने की, लेकिन मैं जो है अभी तक हमारा जो है बंटवारा नहीं हो पाया। मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल बॉर्डर पे तैनात हूँ, मैं बहुत मुश्किल से हमको छुट्टी मिलती है, तब मैं जो है आया कि हमारा बंटवारा इस बार हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सेना के जवान सत्येंद्र मिश्रा अपनी माँ के साथ तहसील के चक्कर लगा रहे और उनकी छुट्टियाँ भी खत्म होने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एक सेना के जवान को इस तरह परेशान करना कितना जायज है। यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।